हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेरी नोट्स। सो आज हम एक शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे सुभद्रा सेन गुप्ता की लिखी हुई द फोर्थ डॉटर। इस स्टोरी में बेसिकली हमें ये बताया गया है कि आज की डेट में भी कैसे हम ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी में फंसे हुए हैं। भले ही हमारी कंट्री ने काफी प्रोग्रेस शो करी है इकोनॉमी में, बट एज फार एज द सोशल प्रोग्रेस इज कंसर्न वो अभी कहीं अचीव नहीं हुई है। हम वहाँ अभी काफी पीछे हैं। अभी भी लोगों की काफी बायस्ड मेंटालिटी है टुवर्ड्स अ गर्ल चाइल्ड। इंडिया में अभी भी काफी सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो प्रेफर करती हैं सन रादर देन अ डॉटर। सो आज की जो हमारी शॉर्ट स्टोरी है द फोर्थ डॉटर वो इसी थीम पे बेस्ड है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। कैरेक्टर्स हैं मिनी जो कि फोर्थ डॉटर है, पार्वती जो कि मेड है घर की, एंड राधा जो बायोलॉजिकल मदर है मिनी की। मैंने राधा पर ऐसा क्यों बोला कि वो बायोलॉजिकल मदर है मिनी की, ये आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा। हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। पर स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी हमारे चैनल पर न्यू है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोस के लिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो अपलोड होने की आपको नोटिफिकेशन मिले तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। अब स्टोरी की स्टार्टिंग में ही आप मेंटालिटी देख सकते हैं। यहाँ बात करते हैं राधा की। राधा की ऑलरेडी 3 डॉटर्स हैं। अब उसको खुद को एंड उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सबको एक बेटा चाहिए। यही बात है, सोसाइटी अभी तक ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी पर है। अब जब राधा को पता चलता है कि उसका जो फोर्थ चाइल्ड है वो भी एक डॉटर है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है और पार्वती जो कि उसकी मेड है उसे गुस्से से कहती है कि इसे वापस ले जाओ, मैं इसको फीड भी नहीं कराऊंगी। स्टोरी के स्टार्टिंग में ही ऐसी फ्रस्ट्रेशन दिखा देना एक डॉटर की तरफ, पार्वती भी एक तरीके से कंफ्यूज हो जाती है कि एक मदर ऐसे कैसे मना कर सकती है अपने चाइल्ड को फीड करने के लिए। इन सब चीजों को देखकर पार्वती से रहा नहीं जाता और वो डिसाइड करती है कि वो पालेगी मिनी को एंड उसे बड़ा करेगी। अब पार्वती जो है वो राधा के गैरेज में रहती है। पार्वती मिनी को लेकर भी गैरेज में ही रहने लगती है एंड उसको वहां पढ़ाती है, बड़ा करती है एंड खिलाती पिलाती है। कुछ टाइम बाद राधा का 5th बच्चा होता है जो कि एक लड़का होता है। फाइनली वो खुश हो जाती है काफी कि उसका एक लड़का हुआ है। जो बाकी 3 डॉटर्स होती हैं उसकी पहले से वो स्कूल जाती हैं एंड वो गवर्नमेंट स्कूल में जाती हैं, दैट टू विद रिक्शा। उनको रिक्शा से जाना पड़ता है स्कूल, बट जो सन होता है वो प्राइवेट स्कूल में जाता है एंड उसको कार से भेजा जाता है। आप देख सकते हैं यही कितना डिफरेंस है। एंड ऐसा ही हमारी इंडियन फैमिलीज में भी होता है। ऐसा नहीं कहूंगी कि सारी इंडियन फैमिलीज ऐसे ही हैं, काफी मेंटालिटीज चेंज भी हो चुकी हैं, बट कुछ कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो अभी भी सन को प्रेफरेंस देती हैं ओवर डॉटर्स। अब स्टोरी में भी हमें दिख रहा है कि जो 3 डॉटर्स पहले से हैं राधा की वो स्कूल जा रही हैं रिक्शा से एंड वो गवर्नमेंट स्कूल जा रही हैं, एंड वहीं जो उसका सन है वो प्राइवेट स्कूल में जा रहा है एंड उसको कार से भेजा जा रहा है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पे भी। अब मिनी जो है वो काफी इंटेलिजेंट होती है एंड वो डिमांड करती है कि उसको आगे पढ़ना है और डॉक्टर बनना है। ये चीज राधा को पता चल जाती है एंड राधा मना कर देती है कि हम आगे नहीं पढ़ाएंगे मिनी को और डॉक्टर नहीं बना सकते। इस पर मिनी को गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से राधा को बोलती है कि तुम मेरी माँ नहीं हो जो तुम मेरे डिसीजंस लेना चाह रही हो। अब इस पर मिनी पार्वती से बात करती है कि उसको आगे पढ़ना है और डॉक्टर बनना है। पार्वती अग्री कर जाती है इस बात पे और बोलती है कि मैं तुम्हारी एजुकेशन पूरी कराऊंगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें आगे स्टोरी में ये बताया गया है कि 3 डॉटर्स में से एक डॉटर की डेथ हो जाती है क्योंकि वो बीमार थी। प्रॉपर रीजन नहीं बताया गया है बट इतनी डिटेलिंग्स नहीं दी है क्योंकि एक शॉर्ट स्टोरी है। अब आगे दिखाया गया है कि जो सन है वो शादी कर लेता है एंड कमाल की बात यह है कि सन शादी करके अपनी वाइफ की प्लेस पे शिफ्ट हो जाता है, यानी हिंदी में हम कहें तो वो घर जमाई बन जाता है। अब स्टोरी में आगे बढ़ते बढ़ते पता चल रहा है कि मिनी जो है वो एक फुल फ्लेजेड डॉक्टर बन चुकी है
और वो अपनी मम्मी की भी हेल्प करती है, एंड साथ ही साथ जिसको उसने कभी अपनी मम्मी नहीं माना यानी राधा, उनकी भी वो मदद करती है। जब भी वो बीमार पड़ जाती हैं, मिनी संभालती है सब कुछ। अब आप देख सकते हैं, जो एक अनवेलकम डॉटर थी, जो एक अनवेलकम फोर्थ डॉटर थी, उसने एक सन की जगह ले ली है और अपने पेरेंट्स को वो काफी अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रही है। अब मिनी की भी शादी हो जाती है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम देखा जाता है कि पेरेंट्स का हार्ट मेल्ट हो चुका है, क्योंकि मिनी अपने न्यू बॉर्न चाइल्ड के साथ घर आती है और उसको वेलकम करने के लिए राधा और उसके हस्बैंड आते हैं विद ओपन आर्म्स, और जो उन्हें काफी टाइम पहले कर देना चाहिए था वो काफी लेट करते हैं। अब स्टोरी में तो हमें यही बताया गया है कि जिस लड़के के पीछे वो इतना प्रे कर रहे थे शुरू में एंड मिनी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, फाइनल सहारा मिनी ही रहती है उनका एंड वो उनके सन की प्रॉपर जगह ले लेती है। जब वो बीमार होते हैं तो वो उनकी मदद करती है एंड जब उन्हें कोई चीज की जरूरत होती है तब वो उनकी मदद करती है, जो कि उनका सन बिल्कुल नहीं करता है। सो यहाँ हमारी स्टोरी खत्म होती है, बट अभी भी एंड में एक डाउट रहता है कि पेरेंट्स का हार्ट सच में चेंज हुआ है या अभी भी उन्होंने मिनी का वेलकम इसलिए किया क्योंकि शी हैड गिवन बर्थ टू अ सन। सो यहाँ अभी भी क्वेश्चन मार्क है एक, और ये राइटर ने क्लियर नहीं करा है एंड रीडर पर छोड़ दिया है कि वो इसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं। सो ये आप पर है कि आप इस स्टोरी का एंडिंग कैसे लेते हैं। सो ये थी हमारी स्टोरी जो एक सुभद्रा सेन गुप्ता ने लिखी है, फोर्थ डॉटर, एंड ये कहीं ना कहीं एक रियलिटी भी है। आजकल काफी डॉटर्स ऐसी हैं जो कि सन की जगह ले लेती हैं एंड ऐसा कुछ भी नहीं काम है जो कि सन ही कर सकता है और डॉटर नहीं कर सकती है। सो यहीं खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल लिटरेरी नोट्स।